Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आप शामिल करें। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। अमेरिका कितनी इमदाद देगा। महंगाई का तूफान आने को तैयार। मिशन इंजमाम करीब। कितनी परवाजें मुतासर। ठंडा ठार मौसम, यखबस्ता हवाएं। और पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की खराब मुआशी सूरत हाल। दोस्त मुल्क सऊदी अरब मदद को आन पहुंचा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुईशत की बहाली और ज़र मुबादला के जखायर को मुस्तहकम बनाने के लिए 10 अरब डॉलर की खतीर रकम बढ़ाने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। मुआशी बहरान के खात्मे के लिए सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम लाने के लिए 10 अरब डॉलर्स मुहैया किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात जारी। अमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात हुई। जनरल आसिम मुनीर का शाही महल में शानदार इस्तकबाल। शेख मोहम्मद ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए इनकी नई जिम्मेदारियों में नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और अस्करी उमूर में तआवुन के ताल्लुकात और मुश्तरका काम के साथ साथ दोनों दोस्त ममालिक के मुश्तरका मफादात के लिए इन्हें मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायजा लिया। सलाम मुतासरीन की इमदाद और मौशी इक्तिसादी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। ये तमाम आला उहदेदारान भी मौजूद थे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमदाद मजीद बढ़ा दी है। अमेरिका ने मजीद 100 मिलियन डॉलर इजाफी इमदाद देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद 200 मिलियन डॉलर से जायद हो गई है। नेट प्राइस ने कहा कि इमदाद खुराक, तिबी इमदाद, ज़रात और तामीर नो के लिए इस्तेमाल होगी। Last year's debt in Pakistan, the US government has worked closely with Pakistan to provide funding assistance for flood response, food security, disaster preparedness and capacity building efforts. I am pleased to share that today the United States announced an additional $100 million of recovery and reconstruction funding, bringing our total contribution to over $200 million. The new $100 million in funding will be used for flood protection and governance, disease surveillance, economic growth and clean energy, climate smart agriculture, food security and infrastructure reconstruction. The funding also includes humanitarian assistance to support flood relief and recovery efforts in refugee hosting areas. पाकिस्तान के सैलाब जदगान की इमदाद और बहाली के लिए आलमी बरादरी मदद को आ गई। जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों ने इमदाद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को 10 अरब 57 करोड़ डॉलर इमदाद देने का वादा किया गया। तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात से दोचार। कठिन हालात में दुनिया पाकिस्तान की मदद को तैयार। जेनेवा में बड़ी बैठक लगी। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के लिए 10 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान कर दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का वादा किया गया। वर्ल्ड बैंक की जानिब से 2 अरब डॉलर देने का ऐलान कर दिया गया। दोस्त मुल्क सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर इमदाद देने का ऐलान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर देने की यकीन दहानी करा दी। अमरीका की जानिब से 100 मिलियन डॉलर मुख्तस। जर्मनी का पाकिस्तान को मजीद 89 मिलियन यूरो फराहम करने का वादा। चीन की मजीद 10 करोड़ डॉलर ग्रांट देने की यकीन दहानी। दीगर ममालिक की जानिब से भी लाखों डॉलर देने का ऐलान किया गया। सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी 16 अरब डॉलर की जरूरत है।
मौसी हालात कंट्रोल से भी बाहर हो चुके हैं। जनेवा में शहबाज शरीफ ने आज कसम खाई है। क्या किसी लीडर ने, किसी लीडर ने किसी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कसम खाई है? मुजम्मिल असलम ने प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने कसम खाई कि ये इमदाद सलाम मुतासरीन को देंगे। ये मुफ्त के माल पर जितनी हो सके अय्याशी करते हैं। बैंकों के कर्जों और इमदाद पर जनेवा में मेला लगाने की क्या जरूरत है? शरीफ ने उस कॉन्फ्रेंस में कसम खाई है आज जनेवा में खड़े होकर। कभी आपने आलमी लीडर को कसम खाते देखा है? उसने कसम खाई है कि हम कसम खाते हैं ये जो आप पैसा देंगे ये पैसा सैलाब जदगान पे खर्च होगा। आप सोचिए कि किस लेवल पे हम जो है चले गए हैं। इनके पास अपनी जाती गाड़ियां भी हैं, इनके महलात नुमा घर भी हैं, लेकिन इनकी नीयत नहीं भरती। ये कहते हैं मुफ्त कमाल, जितना ज्यादा याशी कर सके उतनी हम याशी करें उस पर। ये जो काम इन्होंने किया ना, फिर उसके बाद फिर पीटीआई के बस में भी नहीं होगा इनको बचाना। इतना मारेंगे लोग आके, इतना मारेंगे। कराची में तो ऑलरेडी ये गैस और इसके चक्कर में पिछले 3-4 दिनों से बड़ी वो हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली, तामीर नो और उनकी आबादकारी का फ्रेमवर्क पेश कर दिया। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना है। 33 मिलियन अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब से काश्तकारी को नुकसान पहुँचा जिससे खुराक की किल्लत ने जन्म लिया। Inflicted 33 million people of Pakistan. Flood water still needs to be Pakistani streets and villages harsher than ever before. For recovery and reconstruction, the minimum funding requirement of $16.3 billion, our funding gap for minimum recovery is $8 billion and will be needed over the span of the next 3 years. If that gap continues to obstruct our recovery, the results may be too catastrophic to imagine. Today, I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky facing the harshest of winters and looking forward to your help and support. Your unity of thought and action will always be remembered by the people of Pakistan. मौसी भंवर में फंसा पाकिस्तान आज IMF से मुश्किल तरीन मुज़ाकरात करेगा। जनेवा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF के MD से मुलाकात करेंगे। मईशत डगर पर लाने के लिए सख्त शरायत मानना होगी। डॉलर एक्सचेंज रेट पर मस्नूई पाबंदी खत्म करना होगी। जून तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब जमा करने का मनसूबा देना होगा। बिजली गैस भी महंगी करना होगी। अवाम महंगाई के नए तूफान के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस सब महंगी होने का खदशा। वजीर खजाना इसहाक डार आज जेनेवा में IMF के वफ़द से तारीख के मुश्किल तरीन मुज़ाकरात करेंगे। IMF का प्रोग्राम हासिल करने के लिए पाकिस्तान को सख्त शराइत मानना होगी। पाकिस्तान को डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करना होगा। एक्सचेंज रेट पर मस्नूई पाबंदी खत्म करना होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रूपए जमा करने का प्लान देना होगा, जिसके लिए डीजल पर लेवी फॉरम 5.32 रूपए बढ़ाकर 50 रूपए लीटर करना होगी। गैस के शोबे में 1500 अरब रूपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा। IMF सब्सिडीज का खात्मा चाहता है। IMF ने टैक्स आमदन में 300 अरब रूपए के इजाफे का मुतालिबा भी किया है। पाकिस्तान में बिजली के रेट्स बढ़ाने होंगे। आइंदा 6 माह तक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है। आलमी मईशत और तजारत पर गहरी नजर रखने वाले अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मौजूदा ज़र मुबादला काफ़ी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 5.6 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, जो अगले 5 माह की फंडिंग की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। गवर्नर सिंध मुतहदा के धड़ों को इकट्ठा करने में कामयाब। तीनों धड़े आपस में मुतहद। इंजमाम का उसूली फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमा चंद रोज़ में इंजमाम का बाकायदा ऐलान करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार ने बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का फैसला कर लिया। PSP और फारूक सत्तार के उम्मीदवार MQM उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होंगे। कराची की सियासत में हलचल। गवर्नर की मेहनत रंग लाई। कल के बिछड़े आज मुत्तहिद हो गए। गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी की मुलाकात में बड़ा फैसला हो गया। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल एक पेज पर आ गए।
पीटीआई और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला भी कर लिया। जराय के मुताबिक तीनों रहनुमा चंद रोज में इंजमाम का बाकायदा ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस में मुलाकात 4 घंटे से जायद जारी रही। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी भी इस मुलाकात में शरीक हुए। तीनों रहनुमा गर्म जोशी से मिले। जराय के मुताबिक मुलाकात में मुतनाज़ हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर एक मौकिफ रखने पर इत्तफाक हुआ। बल्दियाती हल्का बंदियों पर कानूनी चारा जोई करने का भी फैसला कर लिया गया। MQM, PSP और बहाली कमेटी के कारकुनान 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। मुलाकात में तफाक हुआ कि पीपल्स पार्टी की नाइंसाफियों का रास्ता रोकना होगा, ये वक्त इत्तेहाद का है। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दे दी गई। तीनों रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात में मिलकर मैदान में उतरने का फैसला किया। जराय के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में PSP फारूक सत्तार के उम्मीदवार MQM के लिए मुहिम चलाएंगे। PSP और फारूक सत्तार के उम्मीदवार MQM उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होंगे। बात करेंगे मौसम की। धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। इलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर से रवाना होने वाली 12 परवाजें ताखिर का शिकार। 2 का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। 4 परवाजें मनसूख कर दी गई। 16 परवाजें मुतासिर हुई। मोटरवे M2 लाहौर ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से धुंध की वजह से बंद है, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीठ तक धुंध के बायस बंद है। पिशावर में सर्दी की लहर जारी है, जबकि धुंध ना होने के बायस पिशावर M1 मोटरवे इस्लामाबाद तक खुली है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं पिशावर से बोल न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर बताएगा पिशावर में धुंध की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है और कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि मतलब इस वक्त जो है वो बिल्कुल साफ़ है और धुंध ना होने के बायस पेशावर M1 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक हुकाम मौजूद है, उनसे बात करते। जी हद निगाह किस तरह है और कहाँ से कहाँ तक मोटरवे खुली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हद निगाह काफ़ी बेहतर है, विजिबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है और मोटरवे थ्रू आउट इस्लामाबाद तक ओपन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि हद निगाह बेहतर होने के बायस मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए पिशावर M1 से इस्लामाबाद तक बिल्कुल खुली है और हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो इस वक्त मोटरवे पर रवा दवा है। और अगर बात की जाए मौसम की तो महकमे मौसमियात के मुताबिक पिशावर में इस वक्त दर्ज हरारत जो है वो 5 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर मज़ीद बर्फबारी होगी जिससे मौसम मज़ीद सर्द रहने का इम्कान है। ठीक है नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। नाजिन ओकाड़ा का रुख करते हैं। ओकाड़ा और उसके नवाही इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफर होकर रह गई है। गुज़श्ता रात से हल्की ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मजीद तफसीला जानते हैं ओकाड़ा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। राव नदीम बताइएगा ओकाड़ा में क्या सूरत हाल है इस वक्त धुंध की। जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह जिला ओकाड़ा भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। धुंध के बायस लपेट में आने वाले इलाके जिनमें मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह, रिनाला खुद, हुजरा शामकीम और शेरगढ़ चूचक शामिल है। ये तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात से ही हल्की ठंडी हवाएं चलने से सर्दी मज़ीद बढ़ चुकी थी। कड़ाके की सर्दी इस वक्त जो है वो ज़िला ओकाड़ा के एरिया में पड़ रही है, जबकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिनाला के एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तर इलाके को धुंध ने गहरी धुंध ने जो है वो लपेट में लिया हुआ है। धुंध के बायस हद निगाह सिफर होकर रह गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर नजर आ रही है। मुसाफरों को भी सफ़र करने में काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना है। महकमा मोटरवे पुलिस की जानब से बार बार हदायत कर रही गाड़ियों में फॉग अलर्ट का इस्तेमाल, जिसको यकीनी बनाया था हम मुसाफर हज़रात जो हैं वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। धुंध का जो सिलसिला है माहिरीन के मुताबिक ये आइंदा चंद रोज तक ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया राव नदीम, आपने ओकाड़ा से अपडेट किया। वादी सवात में आज दूसरे रोज भी मैदानी इलाकों में बारिश और सियाहती मुकामात समेत बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। मजीद अहवाल जानते हैं सवात में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अनवर शाह से। जी अनवर शाह, बताइएगा कि क्या बारिश की सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, स्वात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात और बुनियर के बिल्कुल सरहदी इलाके कलीलकंडव में। यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। आप मेरे पीछे पस मंज़र में देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा स्वात की जितनी भी सियाहती मकाम है, मदियन, बहरेन, कालाम, उतरोड़, गबराल, वहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सयाहों की एक गैर मामूली तादाद जो है वो इन सियाहती मकाम का रुख कर रही है। स्वात के मैदानी इलाकों में इस वक्त बारिश जारी है। मकामी मौसमियात का कहना है कि बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। स्वात में दर्जा हरारत जो है वो 8 दर्जे। बर्फबारी जारी है। सैयद अनवर शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर 22 स्पॉट पर तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद पे निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।